अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी का पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, क्योंकि हमने आगे सी लैंग्वेज को कवर करना है। तो आज हम इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास लिखी हुई है वो है कन्वीनियंट लैंग्वेज, यानी कि आपके पास जो सी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लैंग्वेज है। कन्वीनियंट किस सेंस में है कि इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं और आप बहुत आसानी से इस लैंग्वेज को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क जो है वो इससे कवर आउट कर सकते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है वो आसानी से आप लिख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज में तो बहुत आसान और छोटा सा प्रोग्राम भी अगर आपको लिखना पड़ जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सी लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में, इसमें अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा प्रोग्राम भी लिखो तो वो भी इतना मुश्किल नहीं होगा, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का क्या मुराद है। वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज से ये मुराद है कि आपके पास जो सी लैंग्वेज है उसको सीखना बहुत आसान है। किस तरह? क्योंकि इसमें हर चीज़ का प्रॉपर सिंटेक्स है, यानी कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, स्टैंडर्ड हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो या कोड लिखते हो। तो एक दफ़ा अगर आप उस सिंटेक्स को सीख लो तो कोड लिखना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता। आप जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स कोड बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड करेक्टरिस्टिक, वो है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है? मशीन इंडिपेंडेंस हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। सी लैंग्वेज जो है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है और वो है मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज का इंटेल के प्रोसेसर पे, ठीक है, तो आप उसी प्रोग्राम को मोटोरोला या किसी और कंपनी के प्रोसेसर पे या IBM पे भी चला सकते हो। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज चल जाएगा और उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो इससे ये फायदा है कि अगर आपने एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिख दिया है तो उसको आप किसी भी मशीन पे चला सकते हो, किसी भी प्रोसेसर पे चला सकते हो, चाहे वो इंटेल का हो चाहे वो मोटोरोला को हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मशीन इंडिपेंडेंस से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है हमें कि हमें बार बार एक ही कोड नहीं लिखना पड़ता। अगर आपकी मशीन चेंज हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कोड आप आसानी से चला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी क्या कहती है? मॉड्युलैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके पास सी लैंग्वेज का। और मॉड्युलैरिटी का ये मतलब है कि अगर आपने बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज में, ठीक है, तो आप उसमें ये कर सकते हो कि उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स या छोटे छोटे पार्ट्स बना लो, ठीक है, और फिर उन पार्ट्स को डिवाइड कर दो ग्रुप में। लेट सपोज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है, तो वो जो बड़ा सारा प्रोजेक्ट मिला है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करे और हर जो ग्रुप है वो अपने मॉड्यूल पे काम करेगा। और जब वो मॉड्यूल्स रेडी हो जाएंगे तो उनको इंटीग्रेट करके हम रिजल्ट्स ले सकते हैं, ठीक है, और पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा जल्दी काम खत्म हो सकता है, ठीक है। अगर हम काम डिवाइड करके करते हैं तो जल्दी खत्म हो जाता है ना, ग्रुप में अगर हम चीज़ें डिवाइड कर दें। तो इसी तरह सी लैंग्वेज आपकी काम करती है। अगर आपने बड़े लेवल पे काम करना है तो आप उसके छोटे मॉड्यूल्स बना सकते हैं और हर आप डिफरेंट टीम्स बना दें, हर टीम अलग अलग मॉड्यूल पे काम करे, जब वो तैयार हो जाए तो उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास फिफ्थ पॉइंट है वो है केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी से क्या मुराद है? कि आप जो लेटर लिखोगे सी लैंग्वेज में, यानी कि कैपिटल अल्फाबेट में लिख रहे हो या स्मॉल में, तो उन दोनों का अलग मतलब होगा, ठीक है। अगर आपने कहीं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है कैपिटल सी तो उसका अलग मतलब होगा, और कहीं अगर आप स्मॉल सी लिख रहे हो तो उसका अलग मतलब हुआ होगा, ठीक है। केस सेंसिटिव से ये मुराद है कि ये फर्क करेगी कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल लेटर में। अगर आपने कहीं एक जगह कैपिटल लेटर यूज किया तो वो लेटर हमेशा आप कैपिटल ही लिखोगे, ठीक है, वरना आपके पास एरर जनरेट हो सकता है। और इसका एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है वो ये है कि आपकी जो सी लैंग्वेज है उसके जितने भी कीवर्ड हैं, यानी कि जो उसके अपने वर्ड हैं जो किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, वो तमाम के तमाम स्मॉल अल्फाबेट्स में है, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, ताकि हमें आसानी रहे उन सारे कीवर्ड्स को माइंड में रखने के लिए। इसके अलावा जो सिक्स पॉइंट है आपके पास वो है हार्डवेयर कंट्रोल। सी लैंग्वेज से आप जो है हार्डवेयर पे बहुत अच्छा कंट्रोल रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपके पास सी लैंग्वेज है, ये आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि इससे आप हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हो बहुत अच्छे
सॉफ्टवेयर बना सकते हैं अपने हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए सी लैंग्वेज के थ्रू। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक में एक पॉइंट दिया है हार्डवेयर कंट्रोल, यानी कि आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिनके थ्रू आप अपने हार्डवेयर को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज। नेक्स्ट आपके पास 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट का कहता है स्मॉल लैंग्वेज आपकी सी लैंग्वेज है, इसमें बहुत थोड़े से कीवर्ड्स हैं, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं और प्रोग्रामिंग कंट्रोल भी काफी कम है, लेकिन इनके कम होने के बावजूद भी ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। इसमें आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लास्ट आपके पास 8 पॉइंट है फास्ट कोड जनरेशन। फास्ट कोड जनरेशन से क्या मुराद है कि आपका जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो बहुत जल्दी कोड जनरेट कर देता है, यानी कि जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा होगा सी लैंग्वेज का कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में बहुत स्पीडीली ट्रांसलेट कर देगा। इस वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूशन के लिए चला जाएगा, ठीक है, और हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और हमारा टाइम ज़ाया कम से कम होगा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो सी लैंग्वेज है वो फास्टली कोड को जनरेट करती है। कौन से कोड को? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जल्दी से ट्रांसलेट कर देती है ताकि जल्दी से एग्जीक्यूशन के लिए वो जा सके। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।